आइए शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और सांसद। आपका स्वागत है जफर इस्लाम जी। हमारे साथ घनश्याम तिवारी जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। घनश्याम जी स्वागत है आपका। धर्मवीर चौधरी साहब बहुजन समाज पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चौधरी साहब स्वागत है। और जाने माने पत्रकार कमेंटेटर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। त्रिपाठी जी आपका भी स्वागत है। आज प्रधानमंत्री ने जो बातें कही कानपुर में, कानपुर जो कि पिछले 4-5 दिनों से चर्चा में केवल एक वजह से है, करोड़ों रुपए का अंबार जो आपको फर्श से लेकर ऊपर छत तक नोटों की गड्डियां दिखाई दे रही थी, वो रेड आज ऐसा लगा कि लगभग खत्म हो गई है। और आप सोचे लगभग 200 करोड़ के नोट वहां से बरामद हुए, करोड़ों का सोना, करोड़ों का चंदन का तेल। अब सवाल यह है कि इसके पीछे जो राजनीति हो रही है वो केवल राजनीति करने के लिए है या वाकई इस पैसे से किसी का कनेक्शन है? जफर इस्लाम साहब, प्रधानमंत्री ने तो सीधा सीधा कनेक्शन बता दिया, उन्होंने तो कह दिया कि जो लोग योगी सरकार के सारे काम का क्रेडिट लेते हैं, यह पैसा भी उन्हीं का, इसका भी क्रेडिट लें। समाजवादी पार्टी कह रही प्रमाण तो दीजिए। देखिए, यह हकीकत है कि बसपा और सपा दोनों बहुत ही करप्ट गवर्नमेंट जब भी रही तो बहुत करप्शन रहा गवर्नमेंट में, और हम सभी लोग जानते हैं। और खासकर सपा की जब बात करें तो करप्शन के साथ साथ वहां गुंडागर्दी भी बहुत ज्यादा थी। ये दोनों चीज का जो है बिल्कुल साफ जो है आज 2017 के बाद फर्क दिखता है। ना तो उत्तर प्रदेश में करप्शन है और ना तो जो गुंडागर्दी है। तो जाहिर है ये पार्टियां रिस्पॉन्सिबल थी, और इस पार्टियों को आगे आगे देखिए, जब खुलासा होगा तो आपको बिल्कुल साफ, बिल्कुल जो बोलते हैं ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा कि इनका कनेक्शन, ये पीयूष जैन का कनेक्शन किससे है, ये आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा। आज जो है वो अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। हम भी थोड़ा उनको बोलने का मौका दे रहे हैं, इसलिए कि सही समय पर जब सारी चीजें जब आएंगी तो शायद उनकी बोलती भी बंद हो जाएगी और वो बोलने से परहेज भी करेंगे। लेकिन मैं बहुत तफसील से ना जाके इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण बातें की यूपी के संदर्भ में और खासकर कानपुर के संदर्भ में। जब उन्होंने जो बताया कि 2014 में 9 किलोमीटर मेट्रो रेलवे स्टेशन मेट्रो कनेक्शन था, अब वो बढ़ के 2014-19 में जो है वो 18 किलोमीटर था और अभी देखिए 90 किलोमीटर है, और आगे आने वाले दिनों में और तेजी से जो इसका विस्तार हो रहा है। तो हम विकास की राजनीति करते हैं जी, और विनाश की राजनीति करते हैं, करप्शन करते हैं, ये साफ दिख रहा है। अभी आप ही के टेलीविजन पे मैं देख रहा था थोड़ा देर पहले कि आप कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा था जिसमें किसी ने दिखाया था कि यहां से मेरठ जाने में 1 घंटे लगते थे, 1 घंटे अब लगते हैं, और पहले उछलते कूदते होता आप 4 घंटे में 3 घंटे में पहुंचे थे, इसलिए कि इतना रोड खराब रोड रहता था। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में और कानपुर के संदर्भ में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी चीजें बताई। लेकिन आपने सही कहा, कानपुर में ऐसे ऐसे लोग, इतना करप्शन किए हुए लोग हैं जो कि 200 करोड़ रुपया सोचिए अपने घर में रखते हैं, तो बाकी जगह भी जहां भी जो चल रही है जो कार्रवाई चल रही है उसमें कितना बरामद होगा ऊपर वाला ही जानता है। चलिए ठीक है सर, तो चल रही है। आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार जनता के पैसे का इस्तेमाल जनता के लिए, विकास के कामों के लिए करती है, और पिछली सरकार, समाजवादी सरकार, मायावती की सरकार, वो उस पैसे का, गरीब के पैसे का क्या करती थी, वो दिख रहा है जो वो तहखानों में और दीवारों में छिपा हुआ नजर आ रहा है। घनश्याम तिवारी जी, उसका सर, अब आपको को पैनलिस्ट और दर्शकों को 2005 से 2020 तक एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि राष्ट्रीय पार्टियों को 15,000 करोड़ रुपए, लगभग 15,000 करोड़ रुपए अज्ञात सोर्सेस से मिले। ये राष्ट्रीय पार्टियों के अपने लेखा जोखा में उन्होंने प्रस्तुत किया है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पिछले साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए अज्ञात सोर्सेस से मिले। ये कोई किसी के गाढ़े पसीने की कमाई का पैसा नहीं था, ये वो पैसा है जिसके चलते प्रधानमंत्री का एक साथी, जो भारत के या दुनिया के 100 अमीर लोगों में किसी की गिनती नहीं होती थी, वो आज एशिया का सबसे अमीर आदमी है। ये वो पैसा है जिसके दम विजय माल्या, मेहुल चौकसी और मेहुल भाई और नीरव मोदी भाग गए, आज तक वापस नहीं आए। ये वो पैसा है जिसके दम पे भारतीय जनता पार्टी शानदार चुनाव लड़ती है, हजारों करोड़ की रैली करती है और प्रधानमंत्री उस पर जाकर के भाषण देते हैं और उनके चाहने वाले उन्हें 10 लाख करोड़ का सूट देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिसमें पिछले 5 सालों में लगभग 200 MLA MP सिर्फ कांग्रेस के शामिल हुए हैं,
जिनके ऑडियोज हैं अलग अलग जगह पे 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, सरकार गिराने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। ये भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन है। नोटबंदी के बाद आज अभी आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 30 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में है। नोटबंदी से 4 लाख करोड़ का काला धन सिर्फ देश के अंदर से बाहर आने वाला था, जो ये सरकार आज 200 करोड़ चुनाव से पहले निकालती है किसी के पास, ये अच्छी बात है सरकार निकाल रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुनावी मंच पर खड़े होकर इतना बड़ा झूठ बोलते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। जो पार्टी जिसके पास तांता लगा हुआ ऐसे लोगों का, जो 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 उसको 3000 करोड़ मामूली रकम नहीं है, अज्ञात सोर्सेस से भारतीय जनता पार्टी की इनकम है, ये किसी 6 पार्टियों को जोड़ लीजिए उसका लगभग 4 गुना ज्यादा है। तो अगर देश के प्रधानमंत्री किसी को लगता है कि वो सिर्फ भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, नहीं, वो भ्रष्टाचार की मदद से देश में हर उस व्यक्ति से लड़ रहे हैं जो रोजगार की बात करना चाहता है, जो महंगाई की बात करना चाहता है, जो अमन चैन की बात करना चाहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा खदेड़ा होगा, जिस सरकार ने उत्तर प्रदेश के युवाओं पे लाठी चलाई, पेपर लीक किए, बेरोजगारी में झोंक दिया, जो ताली बजाती रही, थाली बजाती रही, जब लोग मर रहे थे, धमका रहे थे उनको, जिनके पास ऑक्सीजन नहीं था, जो नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि किसी भी मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश फिसड्डी है जी। ऐसे समय में अगर प्रधानमंत्री लंबी 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 भाषण दे रहे हैं तो इसीलिए तो इनका देखिए चुनाव है तो ये तो इनकी तो कोशिश ये होगी ना कि जो मुद्दे आप उठाएं उसकी हवा निकाल दें। अभी आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप चिपकाना चाहते हैं, ये तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इनके सारे नेता कह रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, गृहमंत्री कह रहे हैं, ये 200 करोड़ रुपए के तार आपसे जुड़े हुए हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री अफवाह फैलाने पर आ जाए तो सवाल यह है कि सारी चीजें अफवाह थी, इसका मतलब 15 लाख रुपए का काला धन विदेशों से ला करके हर एक व्यक्ति को देने वाले थे, ये अफवाह थी। 2 करोड़ रोजगार हर साल इस देश के युवाओं को देने वाले थे, ये अफवाह थी जी। पेट्रोल डीजल 30 रुपए में मिलेगा, ये अफवाह थी। महंगाई की मार नहीं होगी, ये अफवाह थी। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास होगा, ये अफवाह थी। ये जो जो बातें कह रहे हैं आप कह रहे हैं आज प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाया वो अफवाह है, झूठ है। मैं एक रिएक्शन चाहता हूं उस पर, सैयद जफर इस्लाम साहब दे दें, फिर बाकी मेहमान। जफर साहब देखिए, आज प्रदेश की जनता ये बोल रही है खदेड़, प्रदेश की जनता पिछले 2014, 2017, 2019 और सब में इन लोगों के अगर भाषण सुनिए तो यही इस तरह की बात। ये हमारे मित्र जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है घनश्याम भाई, ये ऐसी बातें पहले भी करते थे, बहुत बार हमारे साथ डिबेट पे रहे, हम कहीं उठा के देख लिए 2019 के लिए क्या बोल रहे थे, कह रहे थे बिल्कुल सफाया हो जाएगा, कुछ भी खत्म हो जाएंगे। किसका सफाया हो या बसपा और सपा का सफाया हो गया, हम तो वही रहे भाई। इसकी वजह एक है, ये बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं, जमीन पे तो दिखता है लोगों को, आम जनता तो महसूस करती है। आम जनता के पास आप जाइए, मैं उत्तर प्रदेश में बहुत बार गया, अभी आम जनता से जब बात की तो आम जनता जो है उससे कनेक्ट दिखता है और इनका पूरा डिस्कनेक्ट दिखता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का विश्वास हमें प्राप्त है, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं, प्रदेश के लोगों के हित में काम कर रहे हैं। हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और वो हम करते जा रहे हैं। लेकिन इन्हें विश्वास प्राप्त नहीं है, हमें विश्वास प्राप्त है। ये जो है जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो बोलते हैं ना, वो हमारे में और बाकी पार्टियों में है। अभी तो इतना कहिए कि आपका दावा है कि आपको लगता है कि आपको जनता का विश्वास प्राप्त है, आपको ये लगता है कि जनता को ये लगता है कि आप पाक साफ हैं और बाकी लोग चोर हैं, बाकी पुरानी सरकारें सब भ्रष्टाचारी थी, सब चोर थी। चौधरी साहब कल तो मुख्यमंत्री बोले एक कार्यक्रम में कि अब पता लग रहा है 200 करोड़ का पहाड़ देख करके नोटों का, कि ये बुआ बबुआ को नोटबंदी से इतनी दिक्कत क्या थी। ऐसा नहीं है कि निशाना केवल अखिलेश यादव, मायावती जी को भी उसमें शामिल कर रहे हैं। चौधरी साहब, हाँ सौरभ जी जी, अच्छा मुझसे आपने क्वेश्चन किया है, मैं जवाब देता हूं सौरभ जी। ये पीयूष जैन समाजवादी पार्टी का इत्र बरा करके माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अब ये समाजवादी पार्टी के इत्र से उत्तर प्रदेश महकेगा, ये समाजवादी पार्टी का चेहरा है भ्रष्टाचारियों का। ये तो सरकार की ढिलाई थी, वरना टोटी के पीछे भी भ्रष्टाचार का जमवाड़ा था। अगर ये डबल इंजन की सरकार उस समय सचेत हो गई होती, आज 4.5 साल तक ये धन कुबेर भ्रष्टाचारी क्यों बचता रहा, इसको सरकार का कौन सा तंत्र बचा रहा था। यहां उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार चल रही है, क्यों डबल इंजन फेल हो गया, क्यों इस भ्रष्टाचारी ने इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर ली।
आज 2 जून की रोटी कमाने के लिए आदमी को हाड़ मास ठंड में कपाने पड़ते हैं, तब उसे 2 जून की रोटी मिलती है सौरभ जी। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी को अनुभव है ऐसे भ्रष्टाचारियों को बढ़ाने का, पालने का, क्योंकि नीरव मोदी और चौकसी और विजय माल्या और 99% बैंक भगोड़े प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री काल में ही गुजरात से पैसा लेकर के भागे थे। तो ये तो शुक्र है कि इसको पकड़ लिया, नहीं तो ये भी भाग जाता और प्रधानमंत्री जी हाथ मलते और कहते कि मैं। अच्छा चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों को बचाती है, लेकिन आपको आपको बीजेपी का प्रधानमंत्री का ये आरोप सच प्रतीत होता है कि ये जो एक तिरवाला है इसके ये समाजवादी पार्टी का मित्र है, इस पर आपको यकीन है? अरे मैं बता तो रहा हूं, ये जो पीयूष जैन है इसको समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया। वो भ्रष्टाचार को पाला पोसा किसने? ये डबल इंजन की सरकार ने पाला पोसा। ये सरकार की नाक के नीचे कैसे फल फूल लाता, कैसे भ्रष्टाचार की सुरंगें मन गई, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, क्यों ये चुनाव के समय ही इनको याद आया? ये चोली दामन का साथ है बीजेपी का और समाजवादी पार्टी का, ये चोर चोर मौसर है भाई हैं। देखिए बीजेपी तो मिले हुए हैं, आपके आरोप पर अभी क्या कहते हैं साहब, ये तो अभी पूछता हूं। बीजेपी तो साफ कहेगी कि अगर हमारा इससे कोई लेना देना होता तो हम काहे पकड़ते भाई, अगर ये हमारा साथी होता तो हम रेड क्यों करते, हम इसको क्यों पकड़ते, बीजेपी तो ये साफ साफ कह देगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये पीयूष जैन सीधे सीधे जुड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी से, तो घनश्याम जी जवाब दे फिर त्रिपाठी जी के पास। नहीं नहीं, ये सरकारी तंत्र कहां से हो रहा था सौरभ जी? अच्छा वो मैं जवाब लेता हूँ, मैं धर्मवीर जी भी जवाब लूंगा कि एक छोटा सा जफर साहब से भी जवाब लेता हूँ, एक बार जरा घनश्याम जी की बात सुन लीजिए, घनश्याम जी की बात जरा सुन लीजिए। तो ये कैसे बच रहा था अब तक? इसका मतलब सरकार जो है पैसा लेकर के इसको फलने फूलने दे रही थी। अच्छा ठीक है, समाजवादी पार्टी ने बढ़ाया और पाला पोसा फिर बाद में इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। घनश्याम जी जवाब दीजिए पहले। बिल्कुल धर्मवीर जी उल जलूल आरोप लगाएं क्योंकि उनकी उनकी पार्टी सड़क पर दिखाई नहीं दे रही है, लोगों के बीच में उनके नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये एक राजनीतिक तर्क हो सकता है। लेकिन जहां देश के प्रधानमंत्री ही उल जलूल आरोप लगाने लगे, अरे चौधरी साहब जरा सुन लीजिए ना, आपने आरोप लगा दिया, जरा जवाब भी तो सुन लीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जरा सुन लीजिए चौधरी साहब, निवेदन सुन ले सुन ले सुन ले, घनश्याम जी की आवाज है, घनश्याम जी की आवाज है, बोलिए घनश्याम जी। देखिए धर्मवीर जी उल जलूल आरोप लगाएं क्योंकि उनकी पार्टी सड़क पर दिखाई नहीं देती, किसी ने रोका नहीं है उनके नेता को या उनकी पार्टी को सड़क पर जाकर के लोगों में बेरोजगारी के की जो महामारी भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई है उसके उसके खिलाफ आवाज लगाने के लिए किसने इनकी पार्टी को नहीं रोका है? ये सड़क पर नहीं जा रहे, ये सोचें भारतीय जनता पार्टी से इनके संबंध सोचें। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री उल जलूल आरोप लगाने लगे तो ये चिंता का विषय है। देश के प्रधानमंत्री प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अवतरित होते हैं, उन कार्यक्रमों का फीता काटते हैं, उन परियोजनाओं का फीता काटते हैं, या तो जो इनकम्प्लीट है या जो समाजवादी पार्टी के समय में आरंभ हुई थी, या फिर इस तरह के उल जलूल आरोप लगाते हैं। ऐसे समय में जैसे धर्मवीर जी कह रहे थे, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और तमाम जितने लोग हजारों करोड़ रुपए लेकर के भाग गए, सब भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते थे, भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ थी। मेहुल भाई देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे भगोड़े को जिसके ऊपर 10,000 करोड़ को लेकर भागने का आरोप है, उसको प्रधानमंत्री निवास में आकर के बुला करके मेहुल भाई कहते हैं और मीडिया ने दिखाया किस तरीके से वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की नजदीकी के हवाले से पैसे वसूल। घनश्याम जी देखिए सारा आप राजनीति में मुझसे बेहतर समझते हैं, सारा खेल परसेप्शन का होता है। उसके बाद तो ये चुनाव जीत गए, 19 का चुनाव जीत गए, अब बीजेपी ये आरोप आप पर लगा रही है कि ये 200 करोड़ आपका करप्शन है, यही बात बसपा भी कह रही है, अब जनता के बीच में क्या मैसेज जा रहा है? सवाल ये है, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जाना चाहता हूं। त्रिपाठी जी अब सवाल सीधा सा सवाल, दो सवाल के दो हिस्से, पहला तो ये, इस चुनाव में क्या भ्रष्टाचार इन 200 करोड़ के जरिए कोई मुद्दा बन पाएगा? क्या चुनाव में भ्रष्टाचार और साफ सरकार का फर्क कोई मुद्दा है? और दूसरा कि उत्तर प्रदेश में करप्शन का असल किंग कौन है? देखिए सौरभ जी, दोनों जो आपके सवाल हैं इसको मैं थोड़ा संदर्भ के साथ जोड़ देता हूं। अब ये साबित करना कि ये जो रकम मिली वो अखिलेश यादव की रकम थी या भाजपा की रकम थी या किसी और की थी, ये बड़ा कठिन काम है। ये जांच एजेंसियां खोजेंगी, उनको कुछ सूत्र मिला होगा जिसके आधार पर इतनी बड़ी रकम मिल गई। चुनाव के समय मिली तो निश्चित तौर पर ये कोई कारोबार करने के लिए रकम नहीं थी, ये चुनाव में उपयोग में लाने के लिए रकम थी। और अगर इसको ये कहेंगे अखिलेश यादव जो वो कह रहे हैं कि देखिए ये तो भाजपा का आदमी था,
तो सचमुच जनता यही कहेगी कि अरे वाह भाजपा तो कमाल कर रही है, अगर उसका भी आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके ऊपर वो कार्रवाई कर रही। अब ये कैसे पब्लिक सेंटिमेंट से जुड़ता है, 2017 का चुनाव याद करना चाहिए जब नोटबंदी हुई थी, उसके तुरंत बाद कहा गया कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से इसके खिलाफ जाने वाला है। पब्लिक ने क्या कहा, पब्लिक ने कहा कि देखिए हमको तो क्या है 200 400 हजार 10,000 20,000 बहुत होगा, 1,00,000 रुपया बैंक में जाके बदलवा लेंगे, लेकिन ये जो काले पैसे वाले थे ना जिनका कोई हिसाब नहीं था उनको अच्छा मारा मोदी ने, ये जो उनको अच्छा मारा मोदी ने ये पब्लिक सेंटिमेंट है। और जो परसेप्शन और सेंटिमेंट की बैटल है उसमें रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी बढ़त बना ली है कि देखिए बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि ये समाजवादी इत्र वाला है। तो मुझे लगता है कि चाहे जो कहा जाए लेकिन भ्रष्टाचार और उस पर बड़ी कार्रवाई ये करते हुए भाजपा की सरकार दिख रही, लोगों को ये दिखेगा और वो परसेप्शन काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपने नोटबंदी का जिक्र किया तो आज अखिलेश यादव ने कहा कि ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि नोटबंदी फेल थी, 5 साल के 16 में नोटबंदी करी, 5 साल में इस आदमी ने 200 करोड़ कैश अपने घरों में चिनवा के रख दिया। और आप तो फाइनेंस के व्यक्ति रहे हैं, फाइनेंस की दुनिया में आपने बड़ा नाम अर्जित किया, जफर इस्लाम साहब जवाब देंगे इस बात का। देखिए सौरभ भाई, थोड़ा सा सवाल लास्ट में आपका जो है कट गया था, आवाज नहीं आ रही थी, एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या? मैं अखिलेश यादव की बात आपको बता रहा था, उन्होंने कहा ये 200 करोड़ मिलना तो नोटबंदी के फेल होने का प्रमाण है। नहीं, अब मैं आवाज आ गई आपकी, धन्यवाद। देखिए सबसे बड़ी बात, जो बड़ी अच्छी बात बोली जो पत्रकार हमारे साथ हैं हर्षवर्धन जी, वो बड़ी समझदारी की बात करते हैं। जब भी आप टीवी पे देखिए, कोई किसी पार्टी के लिए नहीं लेकिन सबके बारे में बात करते हैं। उन्होंने एक बात कही कि भाई हमसे कहा जाता है कि बार बार ये लोग गुहार लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इलेक्शन के समय में, ये कह रहे थे जिस दिन रेड हुआ था इलेक्शन के समय खास के रेड करते हैं। अरे भाई अभी कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, हम तो बराबर कहा कि हम किसी ना इसका इलेक्शन से लेना देना है और ना हमारी सरकार से लेना देना, इंडिपेंडेंटली ये अपने एविडेंस जो इनके पास एविडेंस होते हैं उस एविडेंस के बेसिस पे ये जाके करते हैं। लेकिन चूंकि आप नोटबंदी की बात की तो मैं आपको बता सकता हूं कि नोटबंदी के मामले में अगर परिपेक्ष में देखें तो ये पैसा जो 200 करोड़ जो है ना जी, चाहे वो समाजवादी हो चाहे बसपा हो, दोनों के परिपेक्ष में कह रहा हूं कि ये बहुत छोटी सी रकम है, इस लाइक ए लूज चेंज। जिस तरह का कैश इन लोगों ने रूम में भर भर के रखा था, ये तो अलमारी में आप दिखा रहे हैं, अलमारी नंबर एक, अलमारी नंबर दो। अच्छा मैं जरा बस मुझे 10 सेकंड दीजिए, जरा स्क्रीन पे तो चल रहा है, बता दूं, आप कह रहे हैं कि ये सपा बसपा ऐसी पार्टियों के लिए ये तो चिल्लर है, जेब में पड़ा हुआ चेंज है 200 करोड़ रुपया। अब ये नई तस्वीरें आई है जो आप देख रहे हैं उसी तहखाने की है जहां से ये करोड़ों रुपए का नोट मिला है। पूरा रास्ता जो आप देखिए सीढ़ियां नीचे उतर रही है और उसके बाद एक चोर सा दरवाजा बना सुराख जमीन में आपको दिखाई दे रहा है और वहां नीचे और उतरने का रास्ता है और ये सब खोद खोद के निकाला हुआ, तोड़फोड़ करनी पड़ी है यहां पर पुलिस को। खबरें तो यहां तक है कि बड़े उपकरण इस्तेमाल करने पड़े हैं दीवारों को जांचने के लिए कि दीवार के पीछे कुछ है या नहीं है, तब जाकर के ये करोड़ों रुपए का अंबार वहां से मिल पाया। जी सबर साहब कंप्लीट कीजिए। तो जब अगर आप देखिए 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो रूम इसमें आप देख रहे हैं कमरा नंबर एक, अलमारी नंबर एक, अलमारी नंबर दो, अलमारी नंबर तीन, पीयूष जैन के घर के बारे में अभी आपके स्क्रीन पे देख रहा था। उस वक्त आप देखिए कि महलों में इनके जो महले हैं उसमें बड़े बड़े कमरों में कमरा नंबर एक पूरा नोट से भरा, कमरा नंबर दो पूरा नोट से भरा। अरे आप देखिए तो ये आप आंखों देखा बता रहे हैं, कानों सुना बता रहे हैं। देखिए कुछ बातें जो है समझे जाती है, कुछ बातें कही जाती है, कुछ बातें समझी जाती है। वो इंग्लिश में कहावत है, देयर आर सर्टेन थिंग वी शुड रिमेन अनसेड बट शुड बी अंडरस्टूड। तो ये इंग्लिश में कहावत है, इसको ही मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं कि इनके समझदारी के लिए बोल रहे हैं कि मैं ज्यादा इनके बारे में नहीं कहना चाहता दोनों के बारे में, लेकिन इनको भी पता है कि लूज चेंज था उस वक्त, उसके परिपेक्ष में आज इनके लिए बड़े बौछार, इनके लिए बड़े बातें अलग अलग बातें कह रहे हैं, उलझलूल बातें कर रहे हैं। हकीकत तो यही है कि पीयूष जैन समाजवादी पार्टी का आदमी है, ठीक है। और आगे मैंने जैसे कहा तफसील जैसे जैसे खुलेगी, जैसे इनसे आगे आपने अभी बड़ा स्पष्ट आरोप लगाया है कि जैसे ये कमरों में बंद करोड़ों की गड्डियां जो मिल रही है और हजारों गड्डियां मिली है, ऐसे ये इससे कहीं ज्यादा
इन पार्टियों, या आप इन पार्टियां कहते हैं तो मैं तो यहां दो पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं, सपा बसपा, आप कह रहे हैं कि इनके महलों में भी ऐसे ही कमरे हैं और उन कमरों में भी ऐसे ही नोट ठुसे हुए हैं। घनश्याम तिवारी जी, देखिए बिल्कुल, ये आरटीआई की रिपोर्ट के आधार पर जून 21, 2018 को बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा था, बैंक विद अमित शाह एज डायरेक्टर कलेक्टेड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बैंड नोट्स अमॉन्ग डीसीसीबीज, आरटीआई रिप्लाई, कितने 750 करोड़ रुपए। जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने कहा लूज चेंज, मैं आपको बताता हूं लूज चेंज क्या होता है। पिछले साल 3000 करोड़ लगभग अज्ञात सोर्सेज से भारतीय जनता पार्टी की आय थी, लूज चेंज 200 करोड़ उसके हिसाब से इसे जाना जाता है। जिस व्यक्ति को इन्होंने एशिया का सबसे अमीर आदमी बनाया उसकी दृष्टि से 200 करोड़ लूज चेंज है। जिस देश में 97% लोग गरीब हुए हों और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चट्टे बट्टे 3% लोग अमीर हुए हों, उस देश में हर किसी के लिए बहुत बड़ी रकम है, ये लूज चेंज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिसने कहा था कि डिमोनिटाइजेशन जिसमें सैकड़ों लोग मर गए, आज 30 लाख करोड़ कैश इन सर्कुलेशन है। अगर इस सरकार की विफलता नापी जाए तो मुझे अपनी तरफ से आलोचना करने की आवश्यकता है ही नहीं। और किसी ने कहा परसेप्शन की बात है, बेरोजगारी घर घर में है, आपका जो दर्शक देख रहा है वो या उसका पड़ोसी या दोनों उनके घर में बेरोजगार युवा युवती बैठी हुई है, ये परसेप्शन की बात नहीं है। अगर जो दर्शक देख रहा है उसके घर में सरसों का तेल 200 रुपए लीटर है, ये परसेप्शन की बात नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा चुनाव जीतती है उसका बच्चा अगले 10 साल तक बेरोजगार रहेगा, सरसों का तेल 400 रुपए में खरीदना पड़ेगा। 2017 में जो पेट्रोल डीजल की कीमत थी 65 रुपए थी, 60 रुपए थी, अभी वो 110 है, दोबारा चुनाव जीते तो आपको वही पेट्रोल डीजल 200 रुपए में खरीदना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह का सैक्रिफाइस भारतीय जनता पार्टी के आडंबर के लिए करना है कीजिए, लेकिन इस सैक्रिफाइस में आहुति स्वयं आप ही की होगी। चलिए ठीक है, इनके झूठ का ये जब आप चुनाव में जा रहे हैं, आप इन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि आपका प्रतिद्वंदी आपके मुद्दों की काट कैसे कर रहा है, तो उसमें एक ये हथियार है, ये इतर वाले पीयूष जैन का 200 करोड़ जिसका संबंध आपसे ये लोग बताना चाहते हैं। अब देखिए घनश्याम जी, देखिए लड़ाई किस स्तर पर चली गई है। मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं किस स्तर पर यह लड़ाई जा चुकी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की। एक तस्वीर बड़ी वायरल की जा रही है आजकल, अखिलेश यादव की तस्वीर है, अखिलेश यादव ने खुद इसको कल ट्वीट किया था। अब इसमें दिखाया जा रहा है कि अखिलेश यादव की जेब में कुछ बोतल है, तस्वीर सामने आई, योगी आदित्यनाथ सोमवार को सीतापुर में एक पब्लिक सभा कर रहे थे, जनसभा कर रहे थे, और वहां उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ बोले कि नोट गिनते गिनते अधिकारी थक गए और समाजवादी पार्टी के बबुआ जेब में बोतल लेकर फिर रहे हैं, और असली चेहरा जब सामने आ गया तो जेब में बोतल लेकर नौटंकी कर रही है, मुख्यमंत्री ने पब्लिक रैली में बोला। घनश्याम जी, अब जिन मुख्यमंत्री के ऊपर चिलम का अहंकार जो है हर तरीके से उनको घेरे हुए है, उन मुख्यमंत्री की बात क्या करना। उन मुख्यमंत्री की अगर आप उनकी एफिडेविट उठा लीजिए तो जितने मेरे आपके इन सब लोगों के पास, जफर भाई के पास जितनी मार्कशीट नहीं होगी उससे ज्यादा उनके ऊपर चार्जशीट है, अलग अलग अपराधों की शाखाएं हैं। उप मुख्यमंत्री की उठा लीजिए, कितने सीरियस आईपीसी केसेस हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जहां देश का प्रधानमंत्री अफवाह उड़ाने में आ जाए, कितने डरे हुए लोग हैं कि डबल इंजन कहते कहते आज स्थिति यह है कि नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र नहीं करते जो कहता है शिक्षा में उत्तर प्रदेश फिसड्डी है, जिक्र नहीं करते कि स्वास्थ्य में उत्तर प्रदेश फिसड्डी है, हर जगह संसद से लेकर विधानसभा तक। स्वास्थ्य वाला मामला जो कल दिन तक तो ये खबर आई कि यूपी सबसे नीचे है, और उसके बाद नीति आयोग के सारे बड़े लोगों को आकर के ये बयान देना पड़ा कि नहीं, यूपी लास्ट तो है लेकिन सबसे ज्यादा तेजी से बेहतर हो रहा है। सोचिए कि एक बच्चा है, उसके माँ बाप मिठाई खिला रहे हैं कि बच्चे को के 100 नंबर आए हैं, जब आपने पड़ताल की तो पता चला कि 6 सब्जेक्ट में जोड़ के 100 नंबर आए हैं, यही भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, दरअसल ये 6 में से 6 सब्जेक्ट में फेल है लेकिन ये मिठाई खिलाएंगे कि इनके 100 नंबर। अब मैं जरा, अच्छा ठीक है, मैं जरा आपके आरोप का भी, जफर साहब के आरोप का भी, चौधरी साहब से जवाब लेना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आप जमीन पर कहीं दिख नहीं रहे, चुनाव सर पर खड़ा हो गया है आकर के, इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, मायावती जी का कोई ट्वीट कोई बयान कुछ नहीं, तो आप लड़ाई में है ही नहीं, आप बल्कि इनकी सहायता कर रहे हैं बीजेपी की। और बीजेपी ने जैसा भी आपने खुद सुना उनका कि भ्रष्टाचार के तो रिकॉर्ड बना चुके हैं आप लोग, 200 करोड़ क्या है। ऐसा है सौरभ जी, ये समाजवादी पार्टी तो भ्रष्टाचार की सुरंग बनाती है और ये बीजेपी उसका किले बनाते हैं। ये तो अभी घनश्याम तिवारी कह रहे थे 3000 करोड़ रुपए पी गए और प्रधानमंत्री केयर फंड का ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये जितने भी बैंक भगोड़े भागे हुए हैं ये सब प्रधानमंत्री के दोस्त हैं। ये अडानी अंबानी को आगे करके देश में जो लूटमार मची हुई है ये पूरा देश देख रहा है। और मैं तो अब प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी के ये बैठे हैं जफर भाई, इनसे अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि काला धन आएगा
तो 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, तो आप जो है किसानों की आय को दुगना नहीं कर सके, रोजगार 2 करोड़ लोगों को दे नहीं सके, महंगाई को काबू नहीं कर सके, तो कम से कम अब ये काला धन आपने पकड़ लिया है तो 15-15 लाख का भी खाता बना दीजिए जनता का, बेसब्री से इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री जी का कहना भी पूरा हो जाएगा और अमित शाह जी कहेंगे मैंने जुमला नहीं बोला था, हो गई हकीकत। तो ये करें तो सही कुछ, लेकिन ये जुमलों की ट्रेन दौड़ा रहे हैं झूठ की पटरियों पर, इनके पास में कोई आधार नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम बनारस को क्विटो बना देंगे, क्या प्रधानमंत्री जी ने वहां फीता काटा रेलवे मेट्रो का? ये रेलवे मेट्रो का फीता कैची लेके नहीं चल रहे हैं, ये गडासा लेके चल रहे हैं। नहीं तो ये जो कहते हैं अरे आज प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम में गए थे वो कार्यक्रम तो एक विकास की परियोजना का था। चौधरी साहब जो मेट्रो चली, मैं कह रहा हूँ कानपुर में जो मेट्रो चली कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ भ्रष्टाचार, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ प्रधानमंत्री के जो लगातार दौरे उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, लगातार वो कई कई कार्यक्रमों में जाते हैं, सुन लीजिएगा चौधरी साहब, मेरा भ्रष्टाचार बड़ा ठीक, मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने आपकी बात सुन ली, मेरी बात का आप जवाब दे दीजिए ना। आप नेता हैं, आप लोगों के बीच में जाते हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या इन कामों का कोई असर लोगों के बीच में पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? खोल ले, फोन तो नहीं कट गया उनका? स्वीकार नहीं करेगी। ठीक ठीक है, समाज पार्टी चौधरी साहब मुझे बता दिया गया, फोन तो जुड़ा हुआ है, आप मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन जवाब मैं आपसे पूछ रहा था, ये अगर बीजेपी कह रही है कि भाई जैसे अभी अभी कहा घनश्याम जी ने कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की भूमिका में आ गए, इतने इतनी बार उत्तर प्रदेश आते हैं, रोज उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई कार्यक्रम लेकर के आ जाते हैं, उसका कोई उसका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अब वो आज उन्होंने मेट्रो का फीटा काटा, आप काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया, इन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया, वहां पर जहाज उतार दिया, इस सब का कोई जनता के बीच में मोल है नहीं है? नहीं नहीं, देखिए सौरभ जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आज 80 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, इसका कोई मोल है या नहीं? बिल्कुल है, आज 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो गई, खुशी दुबे नाबालिग बेटी जेल में बंद है, उसका कोई तोल मोल है या नहीं है? आज किसान एक साल में 700 से ज्यादा मर गए, अभी जो है तोमर कृषि मंत्री कह रहे थे कि हम दोबारा से कृषि कानून लेके आएंगे, इसका तो कोई तोल मोल है या नहीं है? और ये घनश्याम तिवारी जी बताएं कि मोहन भागवत जी के पास में मानव सिंह जी क्या तोल मोल करने गए थे, बच्चे से गलती हो गई है उसे माफ कर दीजिए मोहन भागवत जी, ये कौन सा तोलमोल चल रहा है? ठीक है चौधरी साहब, अब मैं आपकी बात का जवाब ले लूं जरा, जफर इस्लाम जी पहले बोले जी, इनका जो है बुरिया बिस्तर जनता ठीक है मान चुकी है। अच्छा ठीक सौरभ जी, ठीक है ठीक, जफर जी अरे पहले हमारा बुढ़िया बिस्तर बांधने से पहले जरा धर्मवीर जी बताए बहन जी कहाँ है, क्या कर रही है, दिखती नहीं आजकल, नोटों के बीच में नोट छोड़ के जाती नहीं कहीं, बहन जी नहीं टिकट बेचने में, बहन जी का सिपाही, जरा इससे सवाल उठ रहे हैं, अरे सिपाही उपाय का ये हलवाई सिपाही घर में रखता भाई करते हो ब्राह्मण सम्मेलनों की, कभी जो है सुनिए आप अपने पार्टी के बारे में चिंता कीजिए, जो पार्टी 5 सीट नहीं लाने के लायक बची है, आपको समाजवादी के साथ हाथ मिलाया था, समाजवादी के साथ हाथ मिलाया था, सुनिए आप बीच में मत बोलिए, समाजवादी के साथ हाथ मिलाया था, किनारे लगा दिया आपको, आज कहाँ बैठे हुए? नहीं नहीं कहाँ बैठे, एक तो एक तरफ करप्शन एक तरफ गुंडागर्दी, दोनों के बीच में खत्म हो गया, नहीं गुंडागर्दी और करप्शन के बीच में खत्म हो गए, आपने हाथ मिलाया था समाजवादी पार्टी के साथ था, बहन मायावती आज कहीं दिखती नहीं है, क्या उनके गुंडों से डर रही है क्या? नहीं उनके गुंडों से डर रही है क्या? उनके गुंडों ने आपको डरा के रखा है बहन मायावती को? आखिर क्या बात है? अरे जवाब दीजिए ना सही, लोग पूछ रहे हैं कि बहन मायावती किन गुंडों से डर रही है, समाजवादी पार्टी के किन गुंडों से डर रही है बताइए, आखिर क्यों घर में डर के छुपी हुई है? क्या नोटे गिन रही है क्या? और दिन में प्रधानमंत्री जी रैली करेंगे, अरे भैया यही संविधान है आपका, यही कानून, रात में दिन में पहले आपके लिए आप बताइए ना, जो आपको सवाल कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए, सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए, बहन मायावती कहाँ है आजकल? सरकार से जवाब नहीं नहीं, मुझे पता चला है कि बहन मायावती को डर लग रहा है आजकल समाजवादी के गुंडों से, अरे भाई गुंडों को हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी है, बोलिए आराम से निकले, चिंता मत करे, वहाँ एक सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो बिल्कुल सुरक्षित होके ठीक है अपने पार्टी का काम करे, क्यों डर रही है? ये भारत की अस्मिता से जुड़ा हुआ है,
यह भारत का गौरव है, यह भारत का लोकतंत्र दुनिया। अरे आपका आपका दौरा खत्म हो रहा है और आप कहीं के नहीं बच रहे, आपको पता है समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला के खत्म हो गए। अब उनके डर से आप जो उनके डर से आप घर में मायावती बैठी है। अरे बोलिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने समाज में हर गुंडा करने वाले तत्व को खत्म कर दिया है, समाज में अब हर लोग मुझे लगता है इस बात का जवाब मैं हर्षवर्धन जी से लूंगा तो बेहतर है क्योंकि आप एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप लगाएंगे। एक सेकंड सर, अब मैं हर्षवर्धन जी के पास जा रहा हूँ। ये सवाल हर्षवर्धन जी, नेता लोग नहीं बल्कि बहुत लोग पूछते हैं, आम लोग भी, चुनाव में मायावती जी क्यों नजर नहीं आ रही? क्या वाकई इस चुनाव में अभी तक आप भी महसूस कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी नहीं उतरी? देखिए सौरभ जी, ये सवाल पूछा जाना बड़ा जायज है, लेकिन हमें लगता है कि ऐतिहासिक तरीके से देखना चाहिए। मायावती जी का ये रिकॉर्ड रहा है, एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा चुनाव, एक लोकसभा से दूसरे लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी गतिविधि, उनकी उपस्थिति नगण्य रहती है। उनका अपना जो कैडर है उसके बीच में वो जिस तरह से जाती है, वो कार्यक्रम बसपा का अभी भी चल रहा है। लेकिन ये सच है कि समाजवादी पार्टी ने जो मोमेंटम क्रिएट किया है विपक्ष के नाते, उसमें बहुजन समाज पार्टी पीछे छूट रही है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि बसपा इसी तरह से राजनीति करती रही है। मायावती जी तो बाकायदा उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली आ जाती हैं जब चुनाव हार जाती हैं, तो मुझे लगता है कि उस संदर्भ में देखेंगे तो समझ में आएगा कि बसपा की राजनीति बहुत अलग नहीं है। हाँ, चूंकि अखिलेश यादव का थोड़ा हल्ला है, समाजवादी पार्टी दिख रही है, तो उसमें सवाल बार बार पूछा जाएगा कि बसपा और मायावती कहां है। ठीक, घनश्याम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले घनश्याम जी। आज प्रधानमंत्री मेट्रो का उद्घाटन कर रहे थे, मुझे लगता है कि देश को एक बार उनसे पूछना चाहिए कि जो बुलेट ट्रेन की इतनी बड़ी बात हुई थी, वो बुलेट ट्रेन कहाँ है? कब तक इस देश को इस तरीके से के जुमलों से बहकाया जाएगा? लखनऊ में हमने मेट्रो शुरू की, उस समय मनमोहन सिंह जी नहीं आए थे उसका उद्घाटन करने के लिए। देश में मनमोहन सिंह एक अच्छी सरकार इसलिए चला पाए क्योंकि वो अपना अपना काम बतौर प्रधानमंत्री करते थे। वो देश की अर्थव्यवस्था, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, नागरिक के अधिकार, नागरिक के विकास, फूड सिक्योरिटी एक्ट, इन पे काम करते थे। ये ताली और थाली बजा करके के कोरोना से लड़ने वाले देश के प्रधानमंत्री देश का समय बर्बाद कर रहे हैं, इसका मुझे दुख है। और आप ये हर दर्शक को ये जानना चाहिए कि जितनी बार देश के प्रधानमंत्री इस तरह की अफवाहबाज रैलियों में जाएंगे और इस तरह की अफवाह उड़ाते रहेंगे, उतनी बार देश का नुकसान होगा, उतनी बार बेरोजगारी में कोई काम नहीं होगा। मगर ये बताइए, बीजेपी के अगर सबसे बड़े सितारे और प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी है, तो वो क्यों नहीं इनके लिए प्रचार करेंगे, क्यों नहीं रैली करेंगे? मतलब मैं आपका इतराज समझना चाह रहा हूँ। का जाप करना चाहिए, मुझे लगता है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ करके सिर्फ आज बना लेने की यादव की ऐसी पब्लिक हो गया तो आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक एक करके देश की जनता के बीच में घनश्याम, एक बार घनश्याम जी की बात पूरी हो जाए 10 सेकंड, उसके बाद आप जफर साहब जवाब दे दीजिएगा। बोलिए घनश्याम जी। मुझे लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अच्छी सरकार चला पाए। देश में अर्थव्यवस्था को लेकर के एक सोच विकसित हुई थी, एक बुलंद इरादे विकसित हुए थे। नहीं, वो ठीक है, वो आपका ऐसा मानना है। मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रधानमंत्री की रैलियों से एतराज है, मैं उस पर आपसे पूछ रहा था कि ये अपनी पार्टी के लिए प्रचार क्यों ना करें। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री संसद नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो रैलियां कर रहे होते हैं, तो प्रधानमंत्री का पद छोड़ दें। एक लोकप्रिय नेता है, जगह जगह घूम के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते रहे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का दायित्व है कि जब देश मंदी के दौर से गुजर रहा है, कोरोना के चलते जो देश में बदहाली हुई है उसके दौर से गुजर रहा है, हर आंकड़ा कह रहा है कि देश के आम परिवार को बुरे दिन दिख रहे हैं, 80% छात्रों को स्कूल का मुंह नसीब नहीं हुआ है। ठीक है, आपने देश के शिक्षा मंत्री को ठीक है जवाब दीजिएगा जफर साहब। सपा के नेता बार बार यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो मुख्यमंत्री की भूमिका में आ गए, इतनी रैलियां, इतनी सभाएं। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तारीफ कर रहे हैं, उस सरकारों के बारे में क्या बोले जिसमें लोग पूरी दुनिया कहती थी पॉलिसी पैरालिसिस, जो मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, जो भी सारे हुए वो सब डॉक्टर मनमोहन सिंह के हिसाब से स्कैमस्टर्स जो है उनके घर में रहते थे, उनके ऑफिस में स्कैम करने वाले लोग जो है वो उनके उनके मेल्स मेल कैसे भेजते थे वो सबको पता है। तो प्रधानमंत्री का अगर ये काम है भाई कि देश में जो है स्कैम्स ही कराना है इसलिए कि वो सबसे पावरफुल ऑफिस है, या फिर पॉलिसी पैरालिसिस हो इसलिए कि इतने स्कैम हो जाए पूरी दुनिया के, आप कोई पॉलिसी पैरालिसिस करके छोड़ दो, देश कहीं भी जाए अपने तो पैसा बन गया है। ये आज ऐसी सरकार है जिसको दुनिया मानती है
कि लोहा मानती है कि आज की लीडरशिप को दुनिया मानती है कि हाँ हिंदुस्तान तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। और मैं देखिए बोलना नहीं चाहता हूं, मैं किसी एक बाहर में अभी गया था एक लेक्चर देने के लिए हिंदुस्तान से बाहर, एक वहां के कैबिनेट मिनिस्टर किसी मुल्क के, उसने मुझे क्या बोला, मैं तो हैरान परेशान रह गया कि कैसे देश हमारा आगे बढ़ रहा है और कहां आज सोचते। उसने कहा कि हिंदुस्तान को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता है, G5 से जो ये जो जो इसमें यूनाइटेड नेशन में जो 5 लोग हैं उसमें छठा नंबर हिंदुस्तान का आना ही पड़ेगा, इसलिए कि इस लीडरशिप ने हिंदुस्तान को बहुत आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, आप हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा, देश तरक्की कर रहा, देश आगे की तरफ बढ़ रहा है, और आप अभी उस सरकार की जो वाहवाही कर रहे हैं जिसमें सिर्फ स्कैम्स और स्कैमस्टर्स लोग रहते थे और जो मदर ऑफ ऑल स्कैम्स उसी चले देखिए वो अब उस सरकार में जो कुछ हुआ उसके बाद तो दो टर्म आपको मिल गए। मैं अब ये सवाल हर्षवर्धन जी के पास ले जाना चाहता हूँ, तो ये मुद्दा हर चुनाव में आता है, देश बहुत आगे निकल चुका है। ठीक है जफर साहब, ठीक है, मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ। हर चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी के लिए ऐसा ही प्रचार करते हैं, यूपी उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए प्रचार भी ज्यादा है, वो अपने काम का भी बहुत प्रचार करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी वो खुद अपने आप में कितना बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में, हर्षवर्धन जी? देखिए मुझे लगता है कि अभी भी उत्तर प्रदेश में या देश के किसी भी हिस्से में अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट बढ़कर मिलेगा जो करीब करीब 10% है तो वो नरेंद्र मोदी के नाम पर है। एक बात मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, घनश्याम जी ने कहा कि वो जा रहे हैं और प्रधानमंत्री हैं उनको ये सब नहीं करना चाहिए, वो जहां जा रहे हैं वो सब किसी न किसी विकास योजना के लोकार्पण में जा रहे हैं। अभी तक तो कोई राजनीतिक रैली शुरू नहीं हुई है, मैं काशी देखता हूं, मैं सुल्तानपुर देखता हूं, मैं प्रयागराज देखता हूं, मैं यहां अभी जो तुरंत हुआ है यानी कानपुर मेट्रो देखता हूं, मैं उसके पहले भी जब देखता हूं जो NH-14 देखता हूं तो मुझे कोई भी ऐसी परियोजना नहीं दिखी कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम पढ़ाने वाली। हर्षवर्धन जी ये तो आरोप है, यही तो आरोप है कि बीजेपी सरकारी कार्यक्रमों को चुनावी कार्यक्रम में तब्दील कर दे रही है। निश्चित तौर पर सरकार चुनी ही इसलिए जाती है कि वो ऐसे कार्यक्रम करे और उन उपलब्धियों का श्रेय ले, ये लेना ही होता है। अगर आप सरकार के तौर पर काम करके उनका श्रेय नहीं ले पाते हैं, आपको याद होगा ना चुनाव के ठीक पहले अखिलेश जी ने लखनऊ वाले एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया था, किया था या नहीं किया था? क्योंकि करना ही पड़ेगा, अगर आप जितने ज्यादा विकास काम करेंगे उतने ज्यादा। चलिए आज समय इतना ही था, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में हर्षवर्धन जी, अब ये 200 करोड़ का मुद्दा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि हो, योगी जी का काम हो या उनकी नाकामी जो बताने की कोशिश विपक्ष करेगा, ये सारे मुद्दे जनता के दिलों के बीच हैं, देखते हैं वो किस पर भरोसा करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, जफर इस्लाम जी, घनश्याम तिवारी जी, धर्मवीर चौधरी साहब और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।